हेलो प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल चैनल पे इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं के गणित यानी मैथ की वर्कशीट सत्ताईस ट्वेंटी सेवन को करेंगे जिसकी डेट है उनतीस दिसंबर यानी ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर इस वीडियो में हम करेंगे इस वर्कशीट को हिंदी मीडियम में और इसी वर्कशीट का इंग्लिश मीडियम भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ऐसी वीडियो जो वर्कशीट आपको मिलती रहें इसके अलावा छठी से लेकर बारहवीं तक एन के हर सब्जेक्ट के एक्सरसाइज़ का सोल्यूशन भी हमारे चैनल पर आने वाला है तो उन सोल्यूशंस को देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को इसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन इसके बारे में हमारा जो है टैली चिन्ह या टैली मार्क्स के बारे में आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा टेबल की फॉर्म में हम जो प्रबंधन करते हैं हमारे वर्कशीट्स में जो हमारे डाटा दिया गया उनको लिखने के लिए जैसे हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं घर में कितने भाई बहन हैं किसी देश की जनसंख्या कितनी है कितने वहाँ पे लड़के हैं कितने लड़के हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा होता है उसके प्रबंधन के लिए हम क्या क्या करते हैं वो उसके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो पहला हमारा टैली चिन्ह क्या होता है उसको देख लेते हैं हम ऐसे गिनती करते हैं जैसे तो उसके लिए हम क्या आते हैं एक छोटे छोटे जो डंडे होते हैं लाइने उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे हम गिनती करते हैं एक दो तीन चार पाँच आते हैं इन चारों को कर देते हैं क्रॉस ठीक है जैसे ही पाँच आता है इन चारों को हम क्रॉस कर देते हैं जब क्रॉस वाला ये आ जाए तो इसका मतलब होता है पाँच अगर हम तेरह लिखना तो कैसे लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच आते ही क्रॉस छः सात आठ नौ चार डंडे पूरे हो गए ना दस आते ही क्रॉस ग्यारह बारह तेरह तो देखो पाँच योगे पाँच योगे तीन योगे हो गए हो ना तेरह तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हमें जो है इस वर्कशीट को करना है तो चलिए फटाफट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है आकृति दी गई है उनकी गिनती करनी है कौन सी आकृति कितनी बार यहाँ पर आई है तो अगर हम यहाँ पर गिनती करें इस वाले ग्रीन लेकिन दस तो यहाँ थे सिर्फ नौ तक हैं तो पांच और चार नौ आकृत्यो की संख्या कितनी बार आई नौ बार हमारा पिंक कलर के जो क्वाड्रिलेटर है चतुर्भुज वो कितने बार आए हैं काउंट करें तो हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बार तो सोलह कैसे करेंगे एक दो तीन चार पाँच आते क्रॉस छः सात आठ नौ चार डंडेपुर हो गए अब दस वो आ पाँचवा आएगा तो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और एक सोलह तो सोलह बार ये आए हैं उसके बाद हमारे रेड कलर के ट्रायंगल रेड कलर के ट्रायंगल यहाँ पे अंदर की, की तरफ कितने बार आए एक दो तीन और चार बार तो एक दो तीन चार बार यहाँ पे आए और सर्कल कितने बार है देखो एक तो ये बाहर की तरफ सर्कल हो गया एक फिर एक यहाँ पे हो गया दो एक यहाँ पे अंदर की तरफ तीन एक ये हो गया चार और एक बिल्कुल अंदर की तरफ पाँच तो ये पाँच बार सर्कल आए हैं एक दो तीन चार और पाँच उसके बाद के एक दंड आलेख भी बनाइए यानी बार ग्राफ भी बनाना है तो चलिए बार ग्राफ बनाते हैं बार ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ में दो लाइनें खींचेंगे एक एक्स वाली एक्स वाली और एक वाई एक्स वाली ये वाई एक्स है हमारा यहाँ पे जीरो होता है ये हमारा एक्स एक्स है और हमारे मैक्सिमम सोलह तक है तो सोलह तक काउंटिंग लिख देते हैं एक बराबर बराबर की दूरी पे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और भी आप चाहे तो आप लिख सकते हो आपकी मर्जी है तो काउंटिंग होगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ये जो बिल्कुल एक जैसी दूरी पे होने चाहिए इसी तरह हम नीचे की तरफ भी लिख देंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है अब पहले हमें जो ग्रीन वाले का बार ग्राफ बनाना है तो ये हमारे यहाँ पे हम इस पर हम बार ग्राफ बनाएंगे ग्रीन वाले का कितना ये नौ तक गया तो नौ तक यहाँ पे जाता है तो हम नौ तक जो है इसको ले जाएंगे ठीक है उसके बाद हमारा जो है चतुर्भुज है जो पिंक वाला उसका गया है तो वो गया है सोलह तक तो सोलह तक हमें इसको लेके जाना होगा हम दूसरा कलर लेते हैं आपको समझने में आसानी रहेगी तो सोलह तक हम जो है इसको लेके जाते हैं ठीक है ये हमारा है चतुर्भुज का उसके बाद हमारा रेड कलर का ट्राइंगल है चार तक गया है तो हम इसको चार तक लेके जाएंगे ये चार ये हमारा ये रहा तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल रेड कलर वाला त्रिभुज उसके बाद हमारा सर्कल वृत्त आता है पांच बार तो पांच हमारा यहाँ पे होगा पूरा ठीक है बिल्कुल सीधी लाइन खींचना ये हमारा वृत्त का हो गया तो ये हमारा हो गया दंड आलेख यानी बार ग्राफ हमारी दी गई संख्याओं का हम चाहे तो इनके ऊपर लिख भी सकते हैं नौ सोलह चार और पाँच अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ना है और अंग्रेजी के शबर कौन कौन से आई ए आई ओ यू इनको टेलीचिन्हे के रूप में लिखना है तो उसमें पढ़ना शुरू करते हैं सिक्किम सिक्किम में क्या है एक आई दो बार आई आया तो हम दो बार आई यहाँ पर लिख देते हैं इज में एक आई आया है टी एच ई द में हमारा जो है यहाँ पर ई आया है तो ई आया एक बार लिस्ट में हमारा ई और ए आया है एक ई आया है और एक ए आया है, है।, है। पॉपुलेश में देखो ओ यू ओ यू ओ यू ओ यू एंड में एक ए आया है तो ए वाले में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे सेकेंड में क्या आया है ई e आया है और ओ आया है तो ई e आया है और ओ आया है स्मॉलेस्ट में हमारा आया है ए और ई e. तो ए और ई e. अवंग में हमारा ए आया है और ओ आया है तो ए और ओ द में हमारा ई e आया है तो ई e देखो पाँच हो जाएंगे पूरे पाँच आते हम क्रॉस कर देते हैं इंडियन में हमारे पास आया आई आई ए तो आई एक और आई है तो क्रॉस आई और ए में भी हमारा क्रॉस स्टेट्स में हमारा ए और ई आया है तो ए और ई ए।, ए में हमारा सिर्फ ए है पार्ट में हमारा एक ए आया है ऑफ में हमारा एक ओ आया है तो ओ भी पाँच हो गए द में हमारा एक ई आया है ईस्टर्न में हमारा आया ई ए ई तो ई ए ई हिमालय में हमारा आया है आई ए ए तो ए ए ए हिमालय में हमारा आया है आई ए ए ए, सिक्किम में हमारे दो बार आई आए हैं तो दो बार आई कर दिया इज़ में हमारा एक आई आया है नोटेबल में हमारे पास आया ओ और ए और ई तो ओ ए और ई फोर में हमारा ओ आया है इट्स में हमारा आई आया है बायोडाइवर्सिटी में हमारा आई ओ आई यानी कि आई ओ आई ई आई आई e, इंक्लूडिंग में हमारा आई यू आई तो इनकलूडिंग में आई यू और आई एल्पाइन में हमारा ए और आई आया है तो ए और आई एंड में हमारा सिर्फ एक ए आया है सब ट्रॉपिकल में हमारा आया है यू ओ आई ए यू ओ आई ए क्लाइमेट्स में हमारा आया है आई ए ई आई ए ई एज में हमारा सिर्फ ए आया है वेल well में हमारा सिर्फ ई e आया है एज में फिर से ए आया है बींग में हमारा ई e और आई आया है तो ई e और आई ए में हमारा सिर्फ ए आया है होस्ट में हमारा ओ आया है टू में फिर से हमारा ओ आ गया कंचन जंगा में देखते हैं ए ई यू तो ए e, तो ए e, तो, e, तो हो गया उसके बाद फिर से एक और ए है द में हमारा सिर्फ एक ई है हाइस्ट में हमारा आई और ई है हाइस्ट में हमारा आई और ई है पी के में हमारा ई और ए है तो ई और ए है इन में सिर्फ आई है इंडिया में दो बार आई और एक ए है एंड में एक ए है हमारा थर्ड में हमारा सिर्फ आई है हाइस्ट में हमारा आई और ई है तो आई और ई है ओन में हमारा सिर्फ ओ है अर्थ में हमारे पास ई और ए है तो ई और ए है द में हमारा सिर्फ ई है कैपिटल में हमारा ए आई ए है तो ए आई इज़ में सिर्फ आई है गैंगटोक में हमारा ए और ओ है तो ए और ओ है इनमें हमारा सिर्फ आई है द में हमारा ई है साउथ में हमारा ओ और यू है ओ और यू है ईस्ट में हमारे पास ई ए, ए, ए है तो ई ए, ए, ए है पार्ट में हमारा ए है तो पार्ट में हमने ए लिख दिया ऑफ में हमारा ओ है तो हमने ओ लिख दिया द में हमारा सिर्फ ई है तो ई हो गया स्टेट में हमारा ए और ई है तो ए और ई है तो ये हमारे जो है टैली चिन्ह सबके बन गए हैं जो भी हमारे फावल्स आए थे अब इनको काउंट करके लिख देते हैं तो देखो पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस पाँच पच्चीस पाँच तीस और दो बत्तीस और ई कितना है पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस और पाँच पच्चीस और एक छब्बीस आई कितना है पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस और पाँच पच्चीस और तीन अट्ठाईस ओ कितना है पाँच पाँच दस और पाँच पंद्रह और यू कितना है पाँच और एक छः ठीक है उसके बाद सबके हमने ली थी सबसे कम बार सबसे कम बार हमारा कौन आया है यू और सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार हमारा आया है ए और इनका अंतर हमें लिखना है तो अंतर अगर हम लिखे हैं तो कितना होगा ए माइनस यू ए बत्तीस यू छः हमारा आ गया आंसर छब्बीस उसका सवर ए और आई की संख्याओं का अनुपात तो ए हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं और आई का अनुपात ए है हमारा बत्तीस और आई है हमारा अट्ठाईस तो हम होगा चार अट्ठा बत्तीस आठ दशमलव सात हमारा आंसर आ जाएगा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन हमें जो है दो जगन्ना के अनुसार छः लाख दस हज़ार पाँच तो सौ सतहत्तर जो है सिक्किम के निवासियों की संख्या थी और अगर हम इसको अनुमान में लगाए तो छः हज़ार छः लाख ग्यारह हज़ार बोल सकते हैं या छः सौ ग्यारह हज़ार हम इसको बोल सकते हैं ये तालिका हमें दी गई उन्नीस सौ इक्यानवे कितनी संख्या थी इकसठ में कितनी इकहत्तर इक्यासी यानी कि दी गई संख्या है संख्याएँ हमें माध्य और माध्यक निकालना है माध्य क्या होता है सबको जोड़ दो और जितने भी दिए हैं ना जितने भी वर्षों है उससे भाग दे दो तो हम निकालते हैं माध्य माध्य में क्या करेंगे सबको हम जोड़ देंगे यानी 138 जमा एक जमा 210 जमा 316 जमा 406 जमा 541 जमा 611 सबको जोड़ के जितने भी वर्षों की दी हुई है कितने वर्षों की दी हुई है एक दो तीन चार पाँच छः सात तो सात से दे देंगे भाग तो भाग देने पे क्या आएगा हमारा यहाँ पे तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो हज़ार तीन सौ चौरासी भाग में सात सात से भाग देंगे तो हमारे साथ या इक्कीस बचेगा दो सात चौक अट्ठाईस जीरो सात पंजे पैंतीस सात सात उनचास तो तीन सौ चालीस तो पाँच सात हमारा जो है माध्य आ गया अब हम निकालेंगे माध्यम माध्यक अब हम निकालेंगे माध्यक तो माध्यक क्या होता है कि हमारे जो भी संख्या दे रहे हैं उनको हम ले लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी तो सबसे छोटी इनमें कौन है एक ही है उसके बाद कौन है एक है उससे बड़ी 210 है उससे बड़ी 316 है यानी पहले से ही ये जो हमारे आरोही क्रम में दिए हुए हैं पाँच सौ इकतालीस छः सौ ग्यारह और इनमें जो सबसे बीच में संख्या होती है ना वही हमारी माध्यक होगी तो इधर से काउंट करें एक दो तीन अगर हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं सात तो क्या करो सात बटे दो कितना का तीन दसमलव तो कैसे निकालते हैं बीच वाली संख्या हम क्या जितनी भी संख्या दी गई है मान ली एहन संख्या उसमें एक जोड़ के दो से भाग दे दो अगर हमारी विषम संख्या है तो सात संख्याएँ सात जमा एक बटा दो यानी कि आठ बटे दो यानी कि चार चौथे नंबर पे जो संख्या है कौन से एक दो तीन चार चौथे नंबर पे तीन सौ सो, सोलह पीछे से भी देखेंगे तो एक दो तीन चार तीन सौ सो, सोलह ही है तो जो बीच में संख्या होती है ना वही हमारा माध्यक होता है तो माध्यक हो जाएगा तीन सौ सोलह और माध्य हमारा आया था कितना तीन सौ चालीस दशमलव पाँच सात अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसमें हमारा से ग्राफ दिया हुआ है सिक्किम और दिल्ली का जो रेड कलर है वो सिक्किम को बता रहा है जो ब्लू कलर वो दिल्ली को बता रहा है तो यहाँ पर देखो लैंड एरिया बताया बता हुआ है कि सिक्किम का इतना है दिल्ली का इतना है अगर सी से यानी समुद्र से ऊँचाई कि सिक्किम की इतनी है दिल्ली की इतनी है अधिकतर टेम्परेचर यहाँ पर दिल्ली में इतना होता है सिक्किम में इतना होता है एवरेज टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है तो पहले क्वेश्चन बताया सिक्किम का औसत तापमान बताइए तो अगर औसत तापमान निकाल तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो सिक्किम का कितना है 18 डिग्री सेल्सियस तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा सिक्किम का औसत तापमान है हमारा 18 डिग्री सेल्सियस उसके बाद वर्ग किलोमीटर में भूमि क्षेत्र का अंतर बताइए तो भूमि क्षेत्र का अंतर बताना है दिल्ली और सिक्किम का तो सिक्किम का ज्यादा है तो हम क्या करेंगे सिक्किम में से दिल्ली का वर्ग क्षेत्र घटा देंगे सिक्किम का है कितना सत्तर है। और दिल्ली का है चौदह तो इनको घटा देते हैं छः में से चार गया दो नौ में से आठ गया एक दस में से चार गया छः छः में से गया पाँच तो छः दशमलव एक दो किलोमीटर का वर्ग हमारा आंसर है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए इस वर्कशीट के ये हमारी वर्कशीट थी ट्वेंटी सेवन मैथ की हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम भी चैनल पे अवेलेबल है और छठी से बारहवीं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे जल्द ही आने वाला है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो